देखिए जब हवा में ही हलवा बनाना है तो उसमें 15 टीना घी डाल दीजिए, क्या पता है कितना घी डालना है नहीं डालना है। सरकार झूठी है, निकम्मी है, निकारी है। सरकार अगर काम करती तो आज आपने देखा औरैया में किस तरीके से मजदूरों की मौत हुई, ये मौत नहीं हत्या है। इसकी जवाबदेही केंद्र सरकार को जाती है, केंद्र सरकार से जुड़े हुए लोग। भाजपा चूंकि सत्ता में है और भारत में सबसे बड़ी पार्टी है, उसकी जवाबदेही बनती है, उससे पीछा नहीं हट मुंह नहीं मोड़ सकती है। अगर प्रधानमंत्री जी अगर ठोस कदम उठाया होता तो आज इन मजदूरों की हत्या नहीं होती। और मजदूरों की हत्या होने का जो सिलसिला है ये भाजपा का एक कैसा प्रयोग है भाई, देश पूछना चाह रहा है। जब भारतीय रेल 151 करोड़ पीएम केयर फंड में दे रहा है, रेल का टिकट फ्री क्यों नहीं कर रहा है? ये पैसे पीएम केयर फंड में जब दुनिया से इतने दान आ रहे हैं, लोगों की इतनी बड़ी बड़ी सूची है, कोई 500 करोड़, कोई 400 करोड़, कोई 30 करोड़, कोई 50 करोड़, तो मजदूर 300 रुपए की टिकट माफ करने की औकात नहीं है सरकार में बैठे लोगों को। ये कितने अहंकारी दम्भी है इसका प्रमाण देश की जनता ने देखा है। ये सेना के लिए नहीं काम करते, ये किसानों के लिए काम नहीं करते, माता बहनों के लिए काम नहीं करते, देश के नागरिकों के लिए काम नहीं करते। किसके लिए काम करते हैं? ट्रंप के स्वागत के लिए 125 करोड़ फूंक दिया। किसके लिए काम करते हैं? विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए काम करते हैं। ट्रंप की गुलामी और 22 विधायकों की नीलामी ने देश में भट्टा बिठा दिया। जब देश के प्रधानमंत्री को यह पता था, जनवरी में ही दिल्ली चुनाव में व्यस्त थे, पूरे राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के लोग दिल्ली के चुनावों में, यहां तक कि कार्यपाल गृह मंत्री भी गली गली पर्चा बांट रहा था। हम पूछते हैं पार्टी मजबूत करने से कहीं ज्यादा मजबूत देश मजबूत करना चाहिए। सवाल उठता है आप 19 मार्च तक वाणिज्य मंत्रालय हिंदुस्तान की सर्जिकल सामग्रियां बाहर के देशों में बेच रही थी, अब बताइए माने कोरोना जैसी महामारी के टाइम में भी जब पूरे विश्व के लोगों ने चाइना की सर्जिकल सामग्री को खराब कहा तो भारत सरकार एक्सपोर्टर इंपोर्टर फिक्स क्यों किया? अगर उसकी आपस की लड़ाई नहीं होती तो यह मुनाफाखोरी का जो गोरख धंधा है कौन सी कंपनी है जिसको सरकार एक ही कंपनी को काम सौंपी? क्यों सौंपी? सरकार खुद डील करती। 245 का किट 600+ जीएसटी में बेचा जा रहा था। जब ये राजा हिसने की सरकार है ये कहते थे भाई बहनों हिसाब चाहिए कि नहीं, हिसाब 70 साल का रिकॉर्ड मांग रहे कि 70 साल से कुछ नहीं हुआ। जब ये 50-55 दिन में जो पीएम केयर बना इसका हिसाब क्यों नहीं दे रहे, कागज क्यों नहीं दिखा रहे? देखिए ये सरकार कहीं कुछ धरातल पर काम कर ही नहीं रही है। इतने मजदूर, इतने सब कुछ हो रहा है, आपने कहीं भाजपा के किसी नेताओं को देखा है इन मजदूरों की सेवा करते हुए? एक अजीब सी विडंबना देखिए, इनकी वित्त मंत्री को यही नहीं पता है कि 20,000 करोड़ और 20 लाख करोड़ क्या होता है, इतने सुनने लगते हैं। इनके कोई भी नेता मंत्री को आप देखेंगे, इनके निर्मला सीतारमण जी कहती हैं कि हमने इतना दाल बांटा, भाई एक टन में कितना किलो होता है इनके वित्त मंत्री को नहीं पता है? 71,738 मेट्रिक टन, अगर उसको 1,000 से गुना करके देखिए तो हिंदुस्तान की आबादी को 7.25 किलो पर आदमी को मिलना चाहिए दाल। हमें तो दाल का एक कण नहीं मिला। जब दाल इतना दे सकते हैं यार, चावल कितना बोल रहे होंगे। ये सब कागजों में घोटाले हो रखे हैं, कहीं धरातल पर आम जनता को कुछ नहीं मिला। देखिए सबसे विचित्र बात है, प्रधानमंत्री जी आते हैं, जब प्रकट होते हैं हमारे प्रधानमंत्री जी, श्री श्री 1008 लुचेश्वर, उचेश्वर, जुठेश्वर, जुमलेश्वर, फेकेश्वर, त्रिलोकी, बाबा झासाराम, नरेंद्र मोदी जी जब प्रकट होते हैं तो देश की जनता आंख लगा के बैठती है, टीवी से चिपक कर बैठती है कि बाबा साहब कुछ रकम करेंगे। बाबा आते हैं, अपना शकल दिखाते हैं, अपना इनका जो ब्रांडिंग स्केल है, इन्होंने जो गोविंदा की तरह राजा बाबू फिल्म में अपना अलग अलग पोज का, अलग अलग स्टाइल का, कोरोना महामारी में भी हर दिन ड्रेस चेंज कर करके आते हैं। बताइए कभी कोई सा ड्रेस होता है, कभी कोई सा ड्रेस होता है, कुछ भी बोल के बात हवाओं में बनता है क्या कोई काम? अगर ऐसा होता तो लोग घर नहीं बनाता, हवा में ही हवा महल खड़ा कर देता। देखिए प्रधानमंत्री जी आते हैं तो कहते हैं कि 2 लाख किट प्रतिदिन बन रहा है भारत में, और स्मृति ईरानी जी आती हैं 3 लाख प्रतिदिन किट बन रहा है। स्मृति ईरानी जी कहती हैं
हमने 80 करोड़ परिवारों को राशन घर घर मुहैया कराया, और उन्होंने कहा गर्भवती महिलाओं को भी, मतलब भारत में हर चौथा नागरिक गर्भवती बना दिया इन्होंने। अब बताइए भारतीय परिवारों को 80 करोड़ परिवार, एक मियां बीवी का भी परिवार होगा 160 करोड़ होता है, देश की आबादी 130 करोड़ है, बस आप डिग्री फर्जी खरीद सकते हैं स्मृति ईरानी जी, अकल थोड़े ना फर्जी मिलेगा। जो स्मृति ईरानी जी ये चूड़ियां लेके घुमा करती थी, भारतीय नारियों का अपमान करती थी, आज रियल में इन चूड़ियों की जरूरत देश के प्रधानमंत्री और भाजपा के तमाम विधायक सांसदों को है। ये निकम्मे निकारे लोग देश की जनता की हिफाजत नहीं कर सकते। उन्होंने भगवा वस्त्र को बदनाम किया है, भगवा वस्त्र धारण कर रावण ने मां सीता का अपहरण किया था। इन लोगों ने, भाजपा आरएसएस के गुंडों ने, जो सावरकर के लोग हैं, जो मुखबिर और दलाल लोग हैं, आज भी इनकी आत्माओं के अंदर गोरे अंग्रेजों की नजायज आत्माएं इनके शरीर में समाहित है। आज भी भारत को ये जाति धर्म प्रांत के नाम पर लूट रहे हैं। लड़का के बहाने लड़कोरी जिए, मजदूरों के नाम से आप आते हैं, बात है एनपीए एनपीए कह रहे, हिंदी में समझाते तो देश की जनता इनको जूता मारती। आपने किसको लोन देने की बात की, जो जिनके पैसे एनपीए में है, इससे देश की गरीब जनता का क्या फायदा है भाई, कोई है फायदा? आपने 90,000 करोड़ का पैकेज बिजली कंपनियों को दिया, जब बिजली बिल माफ नहीं हुआ हिंदुस्तान में किसी का, आप किस लिए पैकेज दिए अंबानी अडानी को? देश पूछ रहा है, जब लोगों के पास डायरेक्ट आपने जनधन खाते में खाते खुलवाई, तो आप डायरेक्ट खातों में क्यों नहीं ट्रांसफर कर रहेगी? इतना प्रोपेगेंडा अपना रहे, हम नहीं, वित्त मंत्री जी आएंगी बोलेंगी, वित्त मंत्री जी पढ़ी लिखी नहीं है, है भी तो अनपढ़ है पढ़ी लिखी की तरह। इनके जो मंत्री बरबोले नेता, जो लोग सांसद विधायक साक्षी जी महाराज, सावित्री फुले, गिरिराज सिंह, संदीप पात्रा, ये हिंदुस्तान में नफरत का जहर फूल, तो बताइए संदीप पात्रा भारत सरकार का 27 लाख रुपया हराम का खाता है, कहता है फर्जी डॉक्टर, लोकसभा चुनाव में घर घर जाके जनऊ पहन के धोती भगवा पहन के भोजन करता था, आज इसको देश में घूम कर कम से कम उड़ीसा में जहां से खड़ा हुआ था वहां लोगों की इलाज तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, कहां घुसा हुआ है ये भारत सरकार का? जब से ONGC में घुसा तब से ONGC की स्थिति खराब हो गई। अब बताइए प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनो, लोग अंधभक्तों को एक भाई मिल गया है, विकास के बाद दूसरा लड़का हुआ आत्मनिर्भर। जब आपने FDI लाया, विदेशों में जो आपने भ्रमण किया पूंजी निवेश के लिए लोगों से मिलने गया, मतलब इनका ये है ना कि ये क्या बताऊं कि अजीब सी बात करते हैं प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री जी, रेलवे ने 2 रत्न दिए, एक दिया रानू मंडला, दूसरा दिया जुमलो का मंडला नरेंद्र मोदी। भारत में 2 ही रत्न मिला है अभी तक, ये लालत रत्न है जो रेलवे स्टेशन ने इनको दिया है, ये है जुमलों के बंडल। जुमलों के शहंशाह भारत को 2020 तक महाशक्ति बनाने की बात करते थे, आज 2020 आते ही आत्मनिर्भर बनाने की बात करते हैं। विकास से शुरू हुआ सफर जुमलों में भटक गया, साध चाल चलकर आत्मनिर्भर पर आ गया, अटक गया। आपने किया क्या? देश की पूर्ववर्ती सरकारों ने देश में अस्पताल नहीं बनाया होता तो आज देश की जनता का इलाज कहां होता? ये कहते हैं 70 सालों में विकास नहीं हुआ। अगर 70 सालों में बैलगाड़ी से हम हवाई जहाज तक पहुंच गए थे, जब से ये पनौती आया है, घर में था इसका घर तबाह, यशोदाबेन से शादी किया, यशोदाबेन की जिंदगी खराब, गुजरात में था, गुजरात का देखी लिए क्या हो गया, चीचा लेकर गुजरात जल रहा था, आज देश में आया देश का हालत खराब हो गया। ये पनौती जब से आया, देखिए पूरे देश का सभी समाज के लोग परेशान हैं। अजीब सी बात है कि प्रधानमंत्री जी इस तरीके की बातें, कभी वो बौद्ध धर्म के उपदेश देने लगते हैं, कभी इस्लाम धर्म के देने लगते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। देश की जनता ही नहीं, पूरे विश्व की जनता देख रहा है किस तरीके से जब से ये आए भारत को मूर्खों का देश साबित कर दिया। देश मोदी जी के कारण शर्मिंदा है। जो लोग देश के आजादी के दीवानों ने आजादी कराई थी, जो देश का सपना सोचा था, प्रधानमंत्री जी आए उस दिन प्रकट हुए, कहे विश्व वसुधैव कुटुंबकम,
अरे विश्व वसुधैव कुटुंबकम का मतलब क्या होता है, अभी आपने अपना साथ किया, फिर आपने जाति और धर्म पर कानून क्यों बनाया, क्यों पैसे की बर्बादी करी। जो तारीपार गृह एक एक इंच पीछे हटने की बात नहीं करता था, आज किस बिल में छुपा है। देश के 95% हिंदू परेशान है। तीन देशों से लाने की बात की जाती थी, देश के हिंदू को खाना नहीं दे रहे, देश के हिंदुओं को घर तक पहुंचाने की औकात नहीं है इनकी, बुलेट ट्रेन का सपना देख रहे, साधारण ट्रेनों में घरों भेजने की औकात नहीं है इनकी। भाइयों बहनों, हवाई चप्पल वाला भी हवाई यात्राएं करेगा, ऐसी हमारी कामना है। देश ने देखा है, मोदी सरकार ने हवाई चप्पल छीन ली, जनता पानी की बोतल का चप्पल पहन बना के पहन रहा था। इतने निर्दयी, कब इनमें संवेदना आएगी। 23 मार्च तक जब तक शिवराज सिंह चौहान शपथ नहीं ले लिया, लोकसभा चालू था, लोकसभा स्थगित। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, इनका एक ही मल मूत्र है जो ये एक ही चीज जानते हैं, नफरत फैलाना। इनके टीम में अलग अलग मदारी है, अलग अलग खेल दिखाते हैं। सर, पिछले कई दिनों में 42 जगह पर जो है मजदूरों के साथ हिंसा की घटना घटी है, चाहे वो रेलवे ट्रैक पर मामला हो, औरैया का मामला हो, और कानपुर लखनऊ एक्सप्रेस वे का मामला हो। तो ये जो भी मजदूर हिंसा का शिकार हो रहे हैं, वो ट्रक से ही हो रहे हैं। एक बड़ा सवाल है आपसे, क्या ये साजिश है या एक ये रियल एक्सीडेंट है? आप भी भाजपा सांसद सुभाष चंद्रा, जिसने भारत के बैंकों में डकैती करी, यस बैंक को लूटा, 35,000 करोड़ रुपया भारत का लुटेरा सुभाष चंद्रा, के तिहाड़ जेल के कैदी सुधीर चौधरी की तरह बोल रहे हैं, आपको भी भाजपा सरकार की दलाली मिली है क्या? ये साजिश आप इसको कहेंगे? भाजपा में तो अनपढ़ गमार नेताओं का समावरा है। इनका बलबीर पुंज कहता है ये पिकनिक मनाने जा रहे। कितने संवेदनहीन है बीजेपी आरएसएस के लोग, ये गोरे अंग्रेजों की नजायज आत्माएं इनके दिलों के अंदर में है। ये कोई साजिश नहीं है, ये मजबूरी में जा रहे। अगर भारत सरकार 24 मार्च को तनखा मिलती है क्या किसी को, रात में 3 घंटा का टाइम दिए, कोई घर में राशन लाया था क्या? ये भारत सरकार की जवाबदेही बनती है। हिंदू धर्म के ठेकेदार बनते हैं, हिंदू धर्म के फर्जी ठेकेदार हैं। हिंदू धर्म हमारा ऐसा जल्लाद नहीं है, ऐसा कसाई नहीं है। ये असुर प्रवृत्ति के लोग हैं, राम राज का सपना दिखाकर ये रावण राज वाले लोग हैं। राम राज्य में मर्यादा के लिए जाने जाते थे प्रभु श्री राम, इनकी मर्यादा आपने सारी सीमाएं लान दी। आपने देखा कोरोना जैसी महामारी में भाजपा शासित राज्यों में श्रम कानून लाया, कभी प्रभु श्री राम ऐसा अपनी जनता के लिए कठोर कानून लाते क्या? ये अभी बद्ध था प्रधानमंत्री जी के, जब पीएम केयर में किसी को दिखा नहीं रहे, ऑडिट नहीं करवा रहे, क्या मसला है? विधायक खरीदने के लिए पैसा रखे हैं, पैसे का क्या? बंगाल चुनाव जीतने के लिए? जब राहुल गांधी जी 12 फरवरी को सवाल पूछ रहे थे प्रधानमंत्री जी, लिट्टी चोखा कर बिहार के चुनाव का श्री गणेश कर रहे थे, इनके स्वास्थ्य मंत्री इतने निकम्मे निकारे कि इन्होंने डॉक्टर धर्म का परवाह ही नहीं किया, धर्म का निर्वाह नहीं किया। किए होते तो आज देश में, देश के सभी जिलों में, मैं दिल्ली में भी आप देख सकते हैं। देखिए, पत्रकारों की जवाबदेही है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है। हालांकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आजकल शराबी हो गया, शराबियों ने संभाल रखा है, पत्रकारों ने तो अपनी जमीन बेच ली। कोई सलाहकार बोर्ड में मेंबर बनने के लिए, रजत शर्मा क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बने, अर्नब गोस्वामी नेहरू म्यूजियम में मेंबर बनने के लिए, ऐसे पत्रकारों की गैंगस्टर की तरह लंबी सूची है जो सरकार की दलाली में लगी है। 24 मार्च को जब प्रधानमंत्री के वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा पत्रकार बंधुओं की जो संपादक है, कोई है जो न्यूज चैनल के वगैरह, इसमें सकारात्मक खबर, आप बताइए, सच्ची खबर दिखाने की किसी पत्रकारों ने मां का दूध पिया? जो प्रधानमंत्री से सवाल पूछे कि इन जो ये मजदूरों के जो हालात हैं, कोई बैल बन के जा रहा है, कोई गर्भवती महिलाएं हैं, कोई घर पर पहुंचने से पहले मौत हो रही है, ये 500 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। क्योंकि देश का मीडिया नहीं दिखाता है जितना अस्तर बरेली में झुमका नहीं गिरा, देश के भाजपा की सरकार में देश के दलाल मीडिया का स्तर गिर गया। ये लोग सिर्फ और सिर्फ सरकार के प्रोपेगेंडा को दिखाना है, सरकार से सवाल पूछना चाहिए। अस्पतालों में, देश के किसी भी अस्पतालों में साधारण बुखार की दवाइयां उपलब्ध नहीं है, कोई भी पत्रकार ग्राउंड रिपोर्ट जाकर करने को तैयार नहीं है। लॉकडाउन में लोग घरों में कैद है, 50 से 55 दिन हो गए। अब समझ में आई है कि आप किसी को शुगर है, किसी को
हार्ट की बीमारी है, किसी को लीवर की बीमारी है, किसी को गठिया है, कुछ भी है, उसका इलाज नहीं होगा, बेचारे घर में कैसे फूट रहे होंगे। ये प्रधानमंत्री जी को शर्म नहीं आ रही, इनके स्वास्थ्य मंत्री को शर्म नहीं आ रही, इनके देखिए वो तो थेथर है, वो तो थूथुर है, वो तो महाथूथुर, भाजपा का नेता सब महाथूथुर है। टीवी में आता है जिस समय औरैया की घटना का एबीपी न्यूज दिखा रहा था, उस तक आज तक में ई एजेंडा में लगे हुए थे रविशंकर प्रसाद जी रोहित सरदाना के साथ। अभी देखिए श्वेता सिंह के साथ लगे हुए थे धर्मेंद्र प्रधान जी, इंटरव्यू दे रहे, ई एजेंडा कार्यक्रम चलाया जा रहा है। अरे सरकार का गुणगान करना, सरकार की वो करना जरूरी है कि उन मजदूरों के बारे में कोई पूछने वाला होना चाहिए। सरकार इस कोरोना महामारी में जहां मजदूर 50-55 दिन से परेशान है, ऑनलाइन एक बात बताइए, जो मजदूर नहीं पढ़े लिखे हैं ऑनलाइन टिकट बुक करा लेगा, ऑनलाइन पेमेंट कर देगा, राजधानी एसी का किराया मजदूर दे पाएगा? जिसके पास एक रुपया नहीं है, 300 रुपया 400 रुपये का टिकट 3,000-2,000 रुपये दे पाएगा? कैसा मजाक है भाई देश की गरीब मजदूरों के साथ। ये मजदूर विरोधी सरकार है, गरीबों की हत्यारीन सरकार है। ठीक है सर, बात यही खत्म करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सर। और तमाम व्यूअर्स से मैं लगातार गुजारिश करूंगा कि आप ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत पंकज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल के माध्यम से मैं देश की जनता से, युवाओं से, किसानों से, मजदूरों से, महिलाओं से, निकलो घर और मकानों से, जंग लड़ो इन बेईमानों से, आप अगर नहीं निकलेंगे तो ये निर्दयी और हत्यारीन सरकारें आप पर ऐसे ही दमन चक्र चलाती रहेगी। कब तक आप घरों में कैद रहोगे? सबके हाथ में एंड्रॉइड फोन है, आप विरोध प्रकट करें, जो वास्तविकता है उसको दर्शाएं, क्योंकि देश की दलाल मीडिया के भरोसे नहीं रहे। ये लोग तो मोटे पैसे कमीशन खाते हैं, सरकारी विज्ञापन के भरोसे रहते हैं। जब प्रधानमंत्री जी स्वदेशी की बात करते हैं, लोगों से आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, बाबा रामदेव को पूरे देश में जमीन दे दिया गया, उस स्वदेशी आंदोलन से कोई फर्क पड़ा? बाबा रामदेव ने 25 करोड़ दिया, आटा पर कितना रेट बढ़ा दिया? प्रधानमंत्री जी बीएमडब्ल्यू कार चलते हैं, वो जर्मनी का है, घड़ी स्वेटर जर्मन का पहनते हैं, चश्मा जर्मनी का पहनते हैं। तो जब महात्मा गांधी से सीख लेना चाहिए प्रधानमंत्री जी को, जो भाजपा नेताओं के पास, खास करके मोहन भागवत जी जर्मनी से आए हैं, क्या इनको देश से बाहर करेंगे? स्वदेशी तो तभी होगा ना भाई, जर्मनी के हैं आए हुए लोग ये। अच्छा भाजपा नेताओं, आरएसएस के नेताओं के पास बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, रेंज रोवर, ये सब विदेशी कारें हैं, क्या इनका परित्याग करेंगे?